वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। तो अभी जो है ना, हम लोगों ने जाना है तीन प्लेसेस पे। एक फैसल मस्जिद है, एक है पाकिस्तान मोनूमेंट, और एक दामाने को, मतलब तीन कोई भी लोकेशन है। क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो करनी है और मुझे तीन ड्रेसेस चाहिए। एक ड्रेस में जो है वो मैं खराब हुलिया में होंगी और मैं जंप लगाऊंगी तो जगह भी चेंज होगी, कपड़े चेंज होंगे, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। अभी मैं सामान निकाल के यहाँ कैसे फैला के बैठी हूँ, चेक करें आप। अभी मैं ड्रेसेस निकाल कर रेडी कर रही हूँ, प्रेस व्रेस करती हूँ, साथ सैंडल्स निकालती हूँ, सारा कुछ निकाल के ओके करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे का सीन। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, ठीक है। मैंने ना पहले जो कपड़े ना वो इस्त्री नहीं करे हुए, गंदे से रखे हैं, इसलिए कि अगर मैं इसको इस्त्री कर लूँगी तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा ड्रेस। तो मैं कह रही हूँ इस्त्री ना करूँ, ऐसे ही मैं जंप लगा के दिखाऊँ इसको, और फिर मैं इसलिए मुँह भी नहीं धो रही, ऐसे गंदा सा मुँह, गंदे से बाल, और जंप लगा के जो है वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, कपड़े बदलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक जो सीन है ना, मैं वो यहाँ पे खड़े होकर रिकॉर्ड करने लगी कि मैसेज करूंगी क्या वो ये क्या हुआ है बालों को और कपड़ों को। कपड़े चेंज कर लिए पर मुझे तैयार होने का टाइम नहीं मिला, मैंने लेंस लगा ली क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना, तो सूट पूरा नहीं दिखा रही हूँ। जब आपको जंप लगाऊंगी ना वहाँ पे वहाँ देख लेना आप लोग पूरा सूट, लेकिन ये लेंस मैंने लगा लिया है। और वो कहाँ से मेरे कपड़े आपने गाड़ी में कैसे फेंके हैं ये? अब ये गाड़ी अनलॉक हो गई है। आई मेरे कैमरा शैमरा पकड़ा हुआ है, एक आदमी मेकअप का सामान पकड़ा हुआ है, जूतियाँ सारी गाड़ी में रखी हैं जैसे चेंज करनी है। तो चलो निकलते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो अभी जल्दी जल्दी जो है ना गाड़ी में तैयार होती हूँ, नज़र कुछ आ नहीं रहा मुझे। बारिश हो रही है, धूप में बारिश हो रही है, इतनी तेज़ धूप है अभी। तो आपको बारिश लग रही है? मेरा स्पंज मलाज, आप पीछे नहीं बैठ सकते हो दो मिनट के, मैं तैयार हो जाऊं। नहीं नहीं, बदतमीज हो आप। नहीं बदतमीज नहीं हो। नहीं हो क्या हो फिर? अमित बदतमीज है। अमित बदतमीज है। कौन सा अच्छा गाड़ी का मिला हो? गाड़ी चला रहे हो क्या? रक्षा चला रहे हो? वो बस जबला चढ़ के बैठा हुआ मेरी गोदी में, सीट पे नहीं बैठ रहा ये भी। मुझे मेरा मेकअप देखो, मेरे मुंह तो खुदाई हुई थी। आप पे ना सारे गाड़ी छोड़ के ना मेरी शक्ल देख रहे हैं क्या कर रही है बीबी। बाली क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरे बाल। पार्किंग नहीं है एज यूजुअल, कांस जो है वो लोगों की बाइक खिसका के पार्किंग बना रहे हैं। आज इतना रश है, समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे, है ना कांस? पंगा भी मैंने निकाला बालों को सीधा करने के लिए, हॉर्स भी हैं यहाँ पे, और बलाज अलीदा तंग कर रहा है। ये बलाज और ये शेख वकास साहब फोटोग्राफर हमारे। पता नहीं मैं इतना मुश्किल कंटेंट क्यों सोचती हूँ, सिर्फ सीधे घर में बना लेती। टिकट नहीं लिया तो मुझसे कौन सा लिया है ना? लिया दोनों से यार, मैं आगे आगे आ रही थी, मुझे से पूछा ही नहीं कि बाजू कुछ भी नहीं, मुझे से पूछा प्रोटोकॉल चेक करें। मैंने मास्क ऐसे लगाया कि मेरा मेकअप ना होता। ऐसा खोल लेती हूँ अब, है ना?
बुलाज बेचारा आइसक्रीम पी रहा है, लोग खाते हैं ना, उसकी स्टिक गिर गई, वो बेचारा पी रहा है, उसके जो पॉपकॉर्न होते हैं ना वो मैं हाथों में लेके घूम रही हूँ। ओके भाई, तो अभी हम पाकिस्तान मोनूमेंट पहुंच गए हैं और मैं विकास को बोल रही हूँ कि इस लोकेशन पर मैं जंप लगाती हूँ क्योंकि पीछे से सूरज भी आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। क्या कहते हो विकास? आओ आओ की शूटिंग हमारी हो गई है, लेट हो रहा है हमें बहुत ज़्यादा, हमने अभी निकलना है फैसल मस्जिद के लिए। पहले अब दूसरा जो हमारा स्टॉप है ना वो शकर पड़ी है और मैंने कपड़े भी चेंज करने हैं। हाँ, फिर उसके बाद अभी मैं ना यहाँ पे जंप वाला सीन तो मैंने किया ही नहीं, अब मतलब यहाँ पे भी तो दूसरा जंप वाला सीन करना है ना, ताकि जब दोबारा जंप लगाऊंगी तो कब, बल्कि यहाँ पे जो घूमने वाला सीन है उसमें कपड़े चेंज कर लूंगी, जिसमें मैं ऐसे इशारे नहीं कर रही है ना, बस वो हो गया ना सीन, उसी को एडिट कर लूंगी मैं, उसमें एडिट करते हुए कपड़े चेंज कर लूंगी। अब मैं अभी जा रही हूँ गाड़ी की तरफ, मैं अपने कपड़े निकाल के वहाँ से बदलूंगी। अब दो ड्रेस हैं, एक ब्लैक कलर का है, एक येलो कलर का, उनके साथ की ज्वेलरी है, लिपस्टिक देखूंगी, चेंज करने की जरूरत हुई तो कर लूंगी। आंखें लाल होनी शुरू हो गई हैं। मास्क वापस पहन लिया, वकास ने दाढ़ी में मास्क पहना हुआ, मैं बोल रही हूँ आपका मास्क है, आपका मास्क कैसे किया हुआ था इसे? मुझे बाद में नजर आया इनका मास्क यहाँ पर है। अभी हम बस निकलने लगे, इतना कोई रश था ना पार्किंग में कि हमें पार्किंग से निकलते निकलते कोई आधा घंटा लग गया है ना वकास। हालांकि हम अपने तरफ से ना पूरे हिसाब से आए थे कि इतना इस टाइम पे सूरज ऐसे होगा। मजे की बात ये लाइनर नहीं लेकर आई मैं, तो मैंने क्या करा, जो आई शेडो पैलेट होता ना, डार्क ब्राउन और शेड था, वो लेके ब्रश से लेके फिर वो मैंने लगा लगा के यहाँ से अपनी वो करी है लाइनर सही किया है। चेंज कर लिए हैं और अब जो दूसरी लोकेशन है हमारी वो ये है बारा दरी, ये शकरपड़िया में कहीं है। ये विकास और ये बलाज सीन रिकॉर्ड हो गया। अब 3D जो पिक्चर्स का चल रहा है ना आजकल ट्रेंड्स के लिए पिक्चर रिकॉर्ड करनी है, वो सामने ये हम लोगों का खानदानी फुवारा है। यहाँ पे विकास के दादा अब्बू की तस्वीर है, अब्बू की तस्वीर है, विकास की तस्वीर है और विकास उस परंपरा को विकास उस परंपरा को निभाने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे बलाज की भी तस्वीर बनाएंगे, सीधे खड़े हो, चलो शूज गिर गया उसका, उसने कहा मेरा शूजू गिर गया, पापा मेरा शूजू गिर गया। मैं ना इसी जगह पे जो सेम वकास की पिक्चर है ना मैं वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। चलो पिक्चर, तो तहकीक से साबित हुआ है कि बलाज बहुत डरपोक है। बलाज वकास ने इतना प्यारा उठाया के बचपन के, हाँ सब के मतलब वकास भी तो सेम एज के ना, वकास की वो तस्वीर है मैं शेयर करूंगी यहाँ पे, वो तस्वीर फुवारे के पास वाली। तो बलाज इतना डरपोक है, इसने परंपरा नहीं निभाई क्या आ सकता है। चले ओ लाइट जल गई है, अब तस्वीर बनानी चाहिए है ना, पहले इन्होंने लाइट जलाई नहीं। दादा अब्बू ने ना शक्करपड़िया में ना चुड़ैल देखी थी, वो इन्हीं कैंटीन में, इनके ना कोई कज़न थे और तब उन लोगों का ये कैंटीन था, मुझे नहीं पता कि अभी भी उनका है या नहीं है, मतलब यहाँ पे जितने भी कैंटीन है ना तो वो नेम अंकल जो थे ना उनके थे, तो दादा अब्बू भी उनके साथ काम करते थे, तो रात को देर देर से वापसी होती थी उनकी। तो एक दफ़ा वो पता नहीं 11-12 बजे वापस जा रहा था, तो उन्होंने देखा एक औरत बैठ के रो रही है, तो उन्होंने बोला बेटा आप क्यों रो रही हैं, मुझे बताएं, मैं आपके घर छोड़ के आ जाता हूँ आपका। वो दुल्हन बनी हुई थी बिल्कुल, तो दादा अब्बू को बोलती यहाँ से चला जाओ, तेरी नियत साफ है, तो इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रही। दादा बोले कहते हैं जब मैंने उसके पेट तरफ देखा तो उसके पेट मुड़े हुए थे, दादा अब्बू कहते हैं मैं सबसे ऐसा भागा मैं वहाँ से, 7 दिन दादा अब्बू को बुखार नहीं किया, तो मुझे शक्कर पड़ी हम आके ना चुड़ैल वाला वाकया याद आ रहा है ना विकी, आपके दादा अब्बू को यहाँ चुड़ैल नजर आई थी ना, है ना वो सीन जो है ना वो चुड़ैल वाला वाकया आपको वकास सुनाएंगे। ये कैंटीन किसके थे अंकल, नईम के कौन लगते थे वो? हाजी अल्लाह रखा के बैठे थे, अभी भी वही है, वही है। इनका नाम क्या है, आपको पहचानते नहीं है? मुझे कैसे पहचानते, अब्बू को पहचानते होंगे ना? हाँ बिल्कुल भाई लग रहा है, भाई है ये, देखे ना वो जो अंकल बैठे हुए ना सामने, वो ताया अबू नईम के जो है वो कजन, पता नहीं भाई है। हाँ तो दादा अबू और ये लोग फर्स्ट कजन थे ना, तो ये अभी भी उनके बेटों का ये सारा वकास कह रहे हैं, लेकिन वकास कह रहे हैं वो मुझे नहीं पहचानते क्योंकि हम कभी नहीं गए उनके घर, अबू को पहचानते हैं, दादा अबू को पहचानते हैं क्योंकि दादा अबू के कजन थे ना, फिर अबू भी नहीं गए तो कभी बच्चे भी नहीं गए इस वजह से। तो चले वहीं निकलते हैं, हाँ जी अल्लाह ने उनको बताना था ना भाई, हाजी अल्लाह रखा आप, चलो खैर चलते हैं। हम लोग आ गए हैं फैसल मस्जिद, वकास मेरी बात मान नहीं रहे, गोल्डन लाइट ना जल रही है, तुम्हारी मेरी लड़ाई है, बोला यहाँ जल रही होती, जल रही होती, आपने वीडियोस में नहीं देखा, वीडियोस में नहीं देखा, कहते वो अपनी गोल्डन लाइट्स लेगा। अब बताएं जल रही कि जल रही, जल रही, जल रही, कितना रुपए हो गया मुझे? 5 रुपए, चलो 5 रुपए देंगे, 40। अस्सलाम वालेकुम, अभी हम लोग जो है वो फैसल मस्जिद आ गए हैं, ठीक है अंधेरा हो गया लेकिन गोल्डन लाइट्स जल रही है, हमारा काम हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा।
मैंने ब्लैक ड्रेस पहना है, दुपट्टा मैंने इसलिए पहना हुआ है, हालांकि आप कहेंगे किसी और लोकेशन में पहना नहीं हुआ, मस्जिद है तो मस्जिद का थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए। पहले मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब जब से थोड़ी समझ आई मुझे समझ में आता है कि मस्जिद में दुपट्टा नहीं उतारना चाहिए। चले अब मैं यहाँ पे कहीं रख के तस्वीर खिंचाती हूँ प्यारी सी, फिर आप लोग देखना तस्वीर। फैसल मस्जिद का व्यू था, मैं तो गोल्डन लाइट का मजा आ रही थी। तो आपने वीडियो बनाए रखा, मैं क्लिप्स ले लूँगी इसका। अच्छा ठीक है, रेडी है ना? रेडी। फाइनली हमारा शूट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग निकलने लगे हैं बस फैसल मस्जिद से। अभी हम लोगों ने पता है दावत पे भी जाना है, तो बस हम वहाँ के लिए निकलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, वीडियो को देख के आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा ऐसा, तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो जो है वो मैं एडिट करके जो है वो कल अपलोड कर दूँगी इंस्टाग्राम पर, आप लोग वहाँ जाके देख लेना। अल्लाह हाफिज़।